हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट एपिसोड। और ये माइनक्राफ्ट का मेरा फोर्थ एपिसोड है जिसमें कि मैं एक फार्म बनाने जा रहा हूँ। फार्मिंग फार्म क्या कहेंगे यार उसको, मतलब मैं उसमें खेती करने जा रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ फार्मिंग कर लूँगा मैं। फार्मिंग क्या बोलूँ मैं उसको भाई। इसमें फार्म भी तो बहुत तरह के होते हैं ना, XP फार्म, एनिमल फार्म, ये फार्म, वो फार्म, सुअरकिन फार्म, बहुत सारे फार्म होते हैं। तो मैं आज नॉर्मल सी भाई खेती करने जाऊँगा, वीट फार्म बनाऊँगा। हाँ ये बढ़िया, वीट फार्म बनाऊँगा। तो यार उससे वीट फार्म बनाने से पहले मैं आप लोगों को अपना घर दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई लास्ट जो वीडियो डाली थी मैंने उसमें मैंने फर्स्ट फ्लोर बनाया था, बट उसमें लैंटेन वगैरह नहीं लगाई थी। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ग्लास लगाए हैं चारों तरफ के, ये क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गया यार, नाम भूल जाता हूँ मैं सारी चीज़ों। तो ग्लास लगाए हैं और वो साइड जो मैं जो और लगाया वो आप लोगों को पता होगा, वो लगाया है। बार बार गिर गिर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे दो लैंटेन लगा दी हैं, इधर लैंटेन नहीं लगाया, दो चेस्ट लगा दिए, नीचे दो फर्नेस लगा दिए और एक क्राफ्टिंग टेबल लगा दिया है। बाकी ऊपर का आप लोग फर्स्ट फ्लोर मैंने बना दिया है। बाहर की साइड यार अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है। इस तरह से मैंने यहाँ पे डर्ट लगाई है और ये तो मैंने बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों को दिखाई दी थी। तो बाहर मैंने कुछ भी नहीं करा है, बस फर्स्ट फ्लोर अंदर का साइड मैंने काम करा था जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और भाई आयरन का टूल्स और वो आर्मर तो मेरे पास है ही, वो आप लोगों ने पहले से ही देख ही रखा था, ठीक है। तो बाकी यार अब मेरे को बनाना है वीट फार्म। वीट फार्म मैं सोच रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे तो एनिमल फार्म हमारा हो गया, इसी के जस्ट आगे फ्रंट में यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अपना वीट फार्म बनाऊँ। और वीट फार्म बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए होगा भाई, ये जो एरिया है वो पूरा का पूरा सरफेस जो है इक्वल करना होगा, बिकॉज कहीं पे घास है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे डर्ट ज़्यादा ऊंचाई पे है, कहीं पे कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ है हमारी जो भी हमारा जो भी सरफेस है। तो उसको मेरे को इक्वल करना पड़ेगा। और उसको इक्वल करने के लिए मेरे को अभी बनानी पड़ेंगी पहले से शॉवल। और शॉवल बनाने के लिए भाई मेरे को पहले स्टिक्स बनानी होंगी। और स्टिक्स मेरे पास बोला ठीक है, मैं स्टिक्स बना लेता हूँ पहले। यहाँ पे से काफ़ी सारी स्टिक्स बना ली हैं मैंने। और अब मैं जाके यहाँ पे शॉवल बना लेता हूँ, दो बना लेता हूँ, दो से काम हो जाए, दो नहीं तो मैं तीन बना लूँगा। दो बन गए, एक और बना ही लेता हूँ, ठीक है। तो तीन यहाँ पर मैंने शॉवल बना लिए। और अब भाई हम लोग इस शॉवल को पहले मैं नीचे रख लेता हूँ और वो जो सारा सामान है ठीक है वहाँ पे बढ़िया है। अब यहाँ से मैं यार इसको रुको, खाना मेरा वो भूख लग रही है तो मैं पहले थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। हाँ भाई, क्योंकि खाना खाना यार बहुत ज़रूरी है इस गेम में। अगर भूख लगती है ना भाई खाना खा लो, नहीं तो भाई ज़ोंबी वगैरह आ गए और उन्होंने एक बार भी तुम्हारे धर दिया ना तो मैं वहीं पर ख़त्म हो जाऊँगा। तो ज़ोंबी वगैरह से मेरे को वैसे ही डर लगता रहता है, तो उनसे थोड़ा दूर ही रहना सही रहेगा। तो भाई अब जो शॉवल से मेरा डर्ट हटाने का काम है वो मैं पहले शुरू कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर ऊँचा ज़्यादा है। मतलब एनिमल फार्म जो हमारा उसके बैक साइड में जो बहुत सारी डर्ट पड़ी है और फ्रंट साइड में डर्ट है ही नहीं, मतलब ज़्यादा गड्ढा है, ये चीज़ है। और भाई मैं आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मेरी वीडियो में ना हमेशा स्केलेटन क्रीपर की आवाज़ आती रहती थी, तो भाई मैंने यहाँ पे डर्ट हटाई है। तो ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी केव है, छोटी सी है बड़ी सी है वो तो अभी हम लोगों को अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी रात हो चुकी थी तो मैं यहाँ पे सो गया था। और उसके बाद अभी अंदर जाने के लिए मेरे को टॉर्च की भी ज़रूरत है, तो मैं टॉर्च यहाँ से ले लूँगा। टॉर्च के लिए मेरे को कोल चाहिए होगा, ठीक है मैं थोड़ा सा कोल ले लेता हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं टॉर्च बना के चलते हैं, बिकॉज़ केव में भाई अंधेरा बहुत होता है। वैसे ही वहाँ से हमेशा कभी क्रीपर की, कभी स्केलेटन की, कभी जॉम्बी की, मतलब अलग अलग तरह की आवाज़ आती रहती थी, तो उनसे भी बच के रहना ना, बिकॉज़ उन्होंने मार दिया तो मेरा सारा सामान वेस्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है। बाकी मेरे पास जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा का सारा मैं चेस्ट में रखता हूँ, तो अगर मैं मर गया गलती से तो मेरा सामान नहीं ख़राब होना चाहिए, ये भी तो ज़रूरी है ना भाई देखना, ठीक है। तो यहाँ सारा का सारा सामान मैंने रख दिया है। और अब मैं थोड़ी सी टॉर्च बना लेता हूँ। टॉर्च बनाने के लिए मेरे को कोल रखना पड़ेगा और स्टिक्स ऊपर से नहीं, अच्छा नीचे, ठीक है यहाँ पे रख दिया। और अब जितनी भी स्टिक टॉर्च बनी है वो मैंने बना ली। और अब भाई हम लोग निकलते हैं उस केव के अंदर जाने के लिए। भाई देखते हैं क्या ही होता है यार, कितनी बड़ी केव होगी वो वहाँ पे हमेशा। यार ये चीज़ यहाँ पे यार क्रीपर फट गया था, सॉरी मैं खुद ही भूल गया था, लास्ट टाइम यहाँ पे क्रीपर फटा था। यहाँ पे थोड़ी सी डर्ट है, इसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे। तो चलो यार यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी की सारी डर्ट मैंने, अबे भाई 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 क्या है, कहाँ से मार रहा है वो। नहीं 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 भाई, ये चीज़ स्केलेटन से बड़ा गुस्सा आता है यार। मतलब दो स्टिक मारी है उसने मेरे को, दो बार तीर मारा और ऑलमोस्ट भाई हाफ हेल्थ मेरी चली गई थी। चलो मैंने खा लिया, अब तो हेल्थ बढ़ गई है, फुल हो चुकी है। और अब देखता हूँ कहाँ से मार रहा था, इसको देखता हूँ मैं। भाई क्या, अबे मर गया ये तो।
अब इसको आयरन गोलम ने मार देगा, पास में आयरन गोलम है और विलेज भी है और आयरन गोलम तो मार दे भाई। ये देखो क्रीपर, आजा 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 क्रीपर, आता क्यों नहीं, आना आना आना, फटना नहीं है तेरे को, बाहर लेके आता हूँ मैं ताकि धूप में जल जाए। आजा 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 आजा। अबे भाई ये जल क्यों नहीं रहा, अबे ये किसी ने, अबे धूप निकली हुई है भाई, अबे यार स्कैम ही होता रहता मेरे साथ, मतलब भाई धूप है इसको मैं मारता हूँ, रुको रुको रुको, अबे नहीं फट गया भाई गलत, एक तो ऐसे ही गड्ढा हो रखा है यहाँ पे, इसने और गड्ढा कर दिया यार, हद हो गई यार, लॉस ही लॉस है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। एक छोटा सा केव मिल गया, पहले तो वो गलती से केव मिल गया मेरे को, ऊपर से वहाँ से ज़ॉम्बी निकल रहे हैं, वो मेरे को मार रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है भाई मेरे साथ, इतना गलत क्यों होता है। अब यहाँ पे भाई मैं अंदर की साइड चलता हूँ और अंदर की साइड देखता हूँ भाई क्या सीन है यार, कितना बड़ा केव है। एक स्टिक लगाई, सॉरी टॉर्च यहाँ लगा दी, अंधेरा है पहले तो अंधेरा को दूर करते हैं, अंधेरा कायम नहीं रहना चाहिए भाई। एक यहाँ भाई यहाँ पे कोल तो बहुत सारा है बट ज़ॉम्बी एक भी नहीं है, आयरन भी है वाओ बट ज़ॉम्बी एक भी नहीं है, तो एक ज़ॉम्बी एक स्केलेटन निकला एक क्रीपर निकला, यही दो बस परेशान करते हैं यार। अंधेरा है ना तो यहाँ पे ज़ॉम्बी हमेशा स्पॉन होते रहते होंगे, बात ये है ठीक है, बस यही सीन है, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत होती थी, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जितना भी आयरन था वो मैं पहले कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस केव को परमानेंटली बंद कर दूँगा, टॉर्च लगाते लगाना लगा हुआ ही छोड़ दूँगा, क्योंकि टॉर्च लगा हुआ रहेगा अंधेरा होगा ही नहीं तो ज़ॉम्बी यहाँ पे स्पॉन होंगे ही नहीं, तो सही रहेगा। और बाकी मैं इस केव को बंद कर दूँगा, ये सारा का सारा यहाँ पे जो भी सामान है वो कलेक्ट कर दो। भाई ये क्या सीन है यार, नीचे देखो भाई तुम, इसके नीचे तो अलग ही चीज़ है, मेरे को लगा था एक छोटी सी केव, बट नहीं ये तो भवाल चीज़ है भाई, इसके नीचे भाई 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 भाई, गिर गया ना मैं तो दिखूंगा भी नहीं मैं किसी को, इतना नीचे है, मर जाऊंगा तो शायद मैं ऊपर भी ना आ पाऊँ, ऐसा सीन है यार। एक और छोटी सी केव मिली है मेरे को, इसके अंदर भी हम लोग चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पे एक टॉर्च लगाई मैंने, अभी थोड़ा सा इसको भी हटाना पड़ेगा, रुको इसको भी तोड़ता हूँ मैं, ठीक है अभी हम लोग अंदर है भाई, इधर भी बहुत सारा कूल है भाई, इधर भी अंधेरा बहुत है, रुको एक टॉर्च लगाता हूँ मैं पहले, ठीक है यहाँ पे एक टॉर्च लगा दी और अब और अंदर चलते भाई, कितनी बड़ी गुफा है। नहीं 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 नहीं, अब भाई मार दिया भाई, मतलब मैं देख ही रहा था यार, मतलब क्या बोलूँगा अभी, मैं करता कि उसके नीचे चला गया तो मैं कभी नहीं आ पाऊँगा वापस, और मैं चला गया भाई और मेरा सामान। मैं सोच रहा हूँ एक मैं क्या कहते हैं बकेट बना लेता हूँ, बकेट में मैं भर लेता हूँ पानी और फिर भाई पानी के सहारे नीचे जाएंगे, ये एक 1000 IQ गेम प्ले होगा ठीक है। बकेट तो बना लिया है मैंने और अभी यार रात होने वाली है, शायद नहीं अभी रात नहीं हो रही है, ठीक है चलते हैं भाई पानी भर लेते पहले, और पानी भर के यार मैं आ चुका हूँ और अब यहाँ से हम लोग ट्रिक लगा के जाए भाई, यहाँ पे ज़ॉम्बी है, अबे रुक इसकी पैंस की, चलो भाई ये तो गया नीचे मर गया होगा यार, मैं नहीं बचूंगा इतनी ऊपर से जाऊँगा तो, ठीक है। ओ भाई 1000 IQ लगा रहा हूँ मैं, और 1000 IQ लगा के मैं अब जा रहा हूँ नीचे धीरे धीरे भाई, बबल्स सांस लेने में भी दिक्कत, रुको मैं बाहर निकलता हूँ पहले, ठीक है बाहर निकला अंदर गया फिर बाहर निकलूँगा फिर अंदर जाऊंगा, यही करना पड़ेगा, रुको 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 बाहर निकल जाऊँ मैं, हाँ अभी बाहर निकला सांस आ गई अब अंदर जाऊंगा। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा भाई, ये क्या सीन है, पानी में रहूँगा तो नीचे नहीं जाएगा यार, जाता तो है ऐसा तो नहीं होता, रुको इसको नीचे ले जाना पड़ेगा मेरे को ज़बरदस्ती, चल 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 नीचे चल नीचे चल, चलता क्यों नहीं है, चल भाई जल्दी चल नीचे, दिमाग ना ओ आगे आगे आगे, अरे चल चलिए, ओ भाई सामान मिल गया मेरे को सारा का सारा, अबे यहाँ पे ज़ॉम्बी है, भाग 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 भाग, यहाँ पे ज़ॉम्बी, अगर भाई सामान तो मिल गया, अगर इस बार मरा तो मेरे को सामान नहीं मिलेगा, मेरे को पक्का पता सारा सामान मेरा डिस्पॉन हो जाएगा और फिर मैं आऊँगा भी, अब भाई यार मार दिया भाई, भाई दो दो बार मर गया यार मैं, अब मैं नहीं जाऊंगा भाई, अब मेरे को नहीं जाना है, अब मेरे को जाना ही नहीं है वहाँ, मैं क्या करूँगा जाके, मेरा सब अब मैं फिर जाऊँगा फिर मार देंगे, फिर जाऊँगा फिर मार देंगे, मेरे को नहीं जाना है, पर मैं बदला लूँगा बाद में लूँगा, अभी नहीं लूँगा, जब मैं मजबूत हो जाऊँगा ना बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा तब मैं जाऊँगा और बदला मैं लेके आऊँगा, अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ उसको वहीं पर,
बाद में देखेंगे सारे ज़ॉम्बीज को एक तरफा। तो भाई यहाँ पे मैंने शॉवल बना ली है दोबारा से, और अब हम लोग बाहर की साइड चलते हैं और जितना भी डर्ट बचा हुआ था कलेक्ट करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए, वो सारा का सारा मैं जल्दी से यहाँ पे हटा देता हूँ और फिर आगे का काम मैं शुरू करता हूँ। तो भाई इस साइड से यहाँ पे तो ठीक है, इक्वल इक्वल रखना मेरे को। हाँ, तो यहाँ से मैं डर्ट हटाना शुरू करता हूँ और जितनी भी डर्ट है यहाँ पे वो सारी की सारी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि यहाँ से मेरा जो एक्स्ट्रा डर्ट है वो भी हट जाए और इक्वल हो जाए एरिया सरफेस, और आगे से जो कम है वहाँ पे मैं यही डर्ट निकाल के आगे लगा दूंगा, तो आगे से भी मेरा जो सरफेस है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इक्वल हो जाएगा। तो यार ऑलमोस्ट जितना भी डर्ट था यहाँ पर सारा का सारा मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पर जो है कोबल स्टोन है, तो इस कोबल स्टोन को मैं यहाँ पर जितना भी है वो सारा का सारा मैं कर लेता हूँ कलेक्ट, और उसके बाद भाई हम लोग आगे की ओर चल, मतलब कि कोबल स्टोन कलेक्ट करके मेरे को यहाँ पे भी डर्ट लगाना होगा यार, बिकॉज कोबल हर जगह डर्ट नहीं था, कहीं कहीं पे कि स्टोन भी है, तो स्टोन हटा के मेरे को कोबल स्टोन लगाना होगा ताकि दिखने में अच्छा सा लगे हर जगह डर्ट ही हो, क्योंकि कहीं पे डर्ट होगी कहीं पे कोबल स्टोन होगा तो उसमें भाई बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, मेरे को खुद नहीं आएगा यार, आप लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को पता है, बट मेरे को भी मज़ा नहीं आएगा। तो भाई वहाँ पे जितना भी स्टोन था डर्ट था वो सारा का सारा मैंने हटा दिया और इक्वल भी कर दिया। बाकी अब मैं यहाँ पे डर्ट लगा रहा हूँ जहाँ पे मेरे को अपना वीट फार्म बनाना है। तो यहाँ पे मैं यार जल्दी से जल्दी सारा का सारा जो डर्ट है इक्वल में, मतलब सरफेस एरिया जो है मेरा वो मैं इक्वल कर देता हूँ, ताकि फिर जल्दी से हम लोग एनिमल फार्म भी बना सके। वैसे डर्ट तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लगने वाली है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने जितनी डर्ट वहाँ पे कलेक्ट की है ना वो भी कम पड़ जाएंगी यार, वो भी कम पड़ जाएंगी मेरे को। अब मेरे चेस्ट में जितनी डर्ट पड़ी है वो भी मेरे को यूज़ में लानी पड़ेगी और कम पड़ जाएंगी, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, ये एरिया बहुत बड़ा, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं बट बहुत बड़ा एरिया है। जब ये पूरा का पूरा कम्प्लीट हो जाएगा आप लोगों को खुद समझ आएगा, और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कम्प्लीट हो चुका है, बस मेरे को 7 या 8 डॉट और लगानी है और उसके बाद गाइज ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो ओके गाइज यार पूरा का पूरा एरिया जो है ये यार पूरा इक्वल हो चुका, और भाई देख सको कितना बड़ा एरिया मैंने इक्वल करा है भाई, बहुत ज़्यादा डर्ट लगी है, मतलब जो मैंने कलेक्ट की वो भी ख़त्म हो गया, मैं जो मेरे चेस्ट में पड़ी थी वो भी ख़त्म हो गया, उसके बाद भी मैंने डर्ट्स कुछ कलेक्ट किए और वो लगाई हैं, तब जाके एरिया कम्प्लीट हुआ। बट कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम हो चुका है, और अब मेरे को होय से जो घास है वो छीलनी है ताकि मैं उसके ऊपर वीट लगा सकूँ, बिकॉज इस पर तो वीट नहीं लगेगी, उसके लिए मेरे को पहले क्या करना होगा, इसको ये जो घास है यहाँ पे इसको मेरे को छीलना होगा, और वो छीलने के लिए मेरे को होय चाहिए होती है, तो होय तो मैं पहले ही बना के ले आया था। अब भाई इस तरह से मैं यहाँ पर जितनी भी घास है वो सारी की सारी छील लेता हूँ। वेट 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 यार, अगर मैं इस तरह से घास छीलता रहूँगा तो वो पीछे तो घास फिर उगती जाएगी। अब ऐसा करना है कि मेरी घास उगे भी ना और मैं घास छील जाऊँ तो वो एक बार को हमेशा के लिए हट जाए घास, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, बकेट बनानी होगी, बकेट के साथ बकेट से मेरे को पानी लाना होगा और वहाँ पे क्या कहते हैं, एक साइड मेरे को पानी रखना होगा और एक साइड वीट उगानी होगी ऐसा कुछ। तो पानी से क्या होगा, जो डर्ट है वो हमारी हमेशा के लिए गीली रहेगी, और डर्ट अगर गीली रहेगी तो कभी भी वहाँ पे घास नहीं उगेगी, हमेशा वीट ही उगेगी ऐसा कुछ, ये है भाई मेरा IQ। तो पहले मैं यहाँ पे 2 बकेट बना लेता हूँ, जो कि मैंने बना भी लिया है, और अब मैं चलता हूँ भाई यहाँ पे पास में ही हमारी एक नदी है, बहुत बड़ा तालाब है, तालाब तो नहीं समुद्र है, हम लोग अपने समुद्र में चलते हैं और यहाँ पे से भाई 2 बकेट हम लोग पानी उधार ले लेते हैं। उधार क्या भाई, मैं लूँगा ही, वैसे भी तुम एक्स्ट्रा ये तुम्हें भी सुखा दूंगा ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ले मैंने ले लिया है, अब दूसरे बकेट में ले लेता हूँ और इसमें भी भर लेता हूँ मैं, और भाई अब हम लोग ऊपर चलते हैं, और ऊपर यार हम लोग बनाएंगे इनफाइनाइट वाटर सोर्स, अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए मेरे को थोड़ा सा सोचने दो, मेरे को कैसे बनाते हैं। हाँ, ठीक है, याद आ गया। उसके लिए मेरे को 4 डर्ट हटानी पड़ेंगी, स्क्वायर में मेरे को एक एरिया खाली करना पड़ेगा, मतलब 4 डर्ट से। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे बेटर रहेगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है भाई, इस तरह से एक वाटर बकेट मैंने यहाँ पर छोड़ी, यहाँ पानी गिराया, और एक वाटर बकेट में इस कोने पर छोड़ता हूँ इधर, हाँ ठीक है यहाँ पे। तो भाई बन चुका है इनफाइनाइट वाटर सोर्स, अनलिमिटेड वाटर, अब मैं जितना मर्जी पानी है वो यूज़ कर सकता हूँ। अब पानी डालने के लिए मेरे को जो जगह है वो खाली भी करनी पड़ेगी, है ना, एक लाइन पूरी होगी वीट की, फिर पानी, फिर वीट, फिर पानी, फिर वीट, फिर पानी, फिर वीट, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये एक एरिया खाली रहेगा, फिर 2 एरिया जाने के लिए, फिर एक खाली, फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग।
तोड़ने के लिए। अब मैं यार शवेल तो बनाने जाऊंगा नहीं, अब ऐसे ही हम लोग तोड़ते जाते और फिर जहाँ जहाँ पे डर्ट लगानी होगी वो हम लगाते भी जाएंगे। तो यार इस तरह से मैं सारी की सारी डर्ट अभी कलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब तोड़ने लगाने का ही काम लगा। पहले ये चीज़ ध्यान में रहती ना तो सही रहता। तो ऑलमोस्ट यार पूरा का पूरा मैंने कम्प्लीट कर दिया, जहाँ जहाँ पर मेरे को डर्ट हटानी थी हटा दी और जहाँ जहाँ पर लगानी थी लगा भी दी। और भाई पूरा का पूरा एरिया हो चुका है कम्प्लीट। अब मेरे को सिर्फ दो काम करने हैं। सबसे पहला काम कि जो एरिया मैंने खाली करा है पानी भरने के लिए, वहां पे मैं भर देता हूं इस तरह से। यहां पे सबसे पहले शुरू से यहां से करते हैं, इस तरह से यहां पे मैं पानी भर देता हूं। दूसरी बकेट भी है मेरे पास जो कि मैं आगे जाके यहां पे पानी गिरा देता हूं। ठीक है भाई, तो यहां पे दो दो बकेट लग रही है, दो नहीं सॉरी तीन तीन बकेट लग रही थी, और पूरा का पूरा एरिया जो है मैंने पानी से भर दिया है। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक काम और करना है जो कि है होई से, नहीं अभी दो और काम करना है यार, एक एक करे जा रहा हूँ लेकिन काम भी बहुत सारा है। अब मेरे को होई से जितनी भी घास है वो सारी की सारी हटानी है इस तरह से। चलो भाई जल्दी 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 सारा का सारा घास जो है वो हटा देते हैं होई से हम लोग। और उसके बाद भाई हम लोग वीट लगाएंगे और हमारा जो है एनिमल फार्म सॉरी वीट फार्म कम्प्लीट हो जाएगा इस तरह से। देखो भाई गीला हो रहा है ना अभी, अगर मैं पानी नहीं लगाता तो ये गीला नहीं होता और फिर हम लोग वीट कभी भी नहीं लगा पाते। तो भाई पूरा का पूरा जो होई से हम लोगों ने घास जो है वो छील दिया है, एक लाइन और बची है जिसको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। तो ओके गाइस यार यहाँ पे पूरा पूरा घास हमने हटा दिया है और अब जो हमारा वीट फार्म है वो पूरा। अबे भाई यहाँ नहीं गिरना था यार, यहाँ नहीं करना था, इस पर भी लगाना है ना यार, इसको भी करना है। चलो इसको भी हम लोग पहले ऊपर चलते हैं और यहाँ पे इस लवाली लाइन में भी हम लोग घास जो है वो हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी भाई हम लोग वीट जो है वो उगाएंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, एक एक एक। ठीक है चलो यार ये तो पूरा, अबे यार एक्स्ट्रा हो गया, रुको इसको मैं तोड़ के फिर से यहाँ पे लगा देता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास थोड़ी सी डर्ट है तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है भाई, तो चलो यार यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा फार्म है वीट फार्म वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस अब मेरे को यहाँ पे वीट लगानी है तो मैं वीट भी अब लगा देता हूँ जल्दी जल्दी सारी की सारी जितनी भी वीट। तो मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी, वीट कम नहीं पड़ेगी। तो भाई पूरे के पूरे मैंने वीट फार्म में वीट लगा दी है और भाई आप लोग देख सकते हो यार पूरा का पूरा हमारा जो वीट फार्म है कहीं कहीं पे घास उग गई है, तो इसको भी मैं हम लोग निकाल के दोबारा से यहाँ पे हम लोग वीट लगा देते हैं। और गाइस यार अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो पूरा का पूरा वीट फार्म है वो हो चुका है कंप्लीट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। और आज की वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही हम लोगों के साथ एक बुरी चीज़ हुई कि हमारा सारा का सारा सामान पुराना वाला लॉस्ट हो गया, बट एक अच्छी चीज़ हुई कि हमने एक बहुत ही बड़ा वीट फार्म कंप्लीट किया है। तो चलो यार मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।